नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्दी टॉक्स में। इस चैनल के माध्यम से हम बात करते हैं हेल्दी कैसे रहें, हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए नई नई टिप्स और नुस्खे बताते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपने दांतों को हेल्दी, सुंदर, व्हाइट कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसा नुस्खा बताने वाले हैं, इस नुस्खे का प्रयोग करके आपके दांत 5 मिनट में चमकने लगेंगे। इस नुस्खे को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको अपना चैनल बनाइए, और साइड में बेल आइकन भी है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, जानते हैं अपने दांतों को बिल्कुल सफेद चमकदार कैसे बनाएं। दोस्तों, इस दुनिया में लगभग 70% लोग दांतों के पीलेपन से परेशान है। दांतों के पीलेपन की कई वजह हो सकती है, जैसे कि ज्यादा चाय कॉफी पीना। दोस्तों, दुनिया में लगभग 90% लोग या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, लेकिन चाय कॉफी का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से बहुत से लोगों में दांतों के पीलेपन की समस्या देखी गई है। धूम्रपान करना। दोस्तों, धूम्रपान करने से आपकी सेहत पर तो असर पड़ता ही है, इससे आपके दांत और होंठ भी प्रभावित होते हैं, और ये भी एक बड़ा कारण है आपके दांतों का पीलापन होने का। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको तुरंत छोड़ दीजिए। ज्यादा चॉकलेट और मीठा खाना। दोस्तों, ज्यादा चॉकलेट और मीठा खाने से भी आपके दांत पीले पड़ने लगते हैं, और लंबे समय तक इसको खाते रहने से आपके दांतों में कीड़े भी पड़ने लगते हैं। तंबाकू खाना। दोस्तों, तंबाकू और गुटखा खाने से आपके दांत तो पीले होते ही हैं, बल्कि काले काले भी हो जाते हैं, और इससे कैंसर का खतरा अत्यधिक बढ़ जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ दांत पीले होने लग जाते हैं। ब्रश को ठीक से ना करना और रात में खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना भी दांतों के पीलेपन होने का कारण बन जाता है। जेनेटिक प्रॉब्लम होने की वजह से भी दांतों पर पीलापन होने लगता है। दोस्तों, ये सभी तो हमने आपको बता दिए सारे कारण जिनकी वजह से भी आपके दांत पीले हो सकते हैं। हमने जो ये कारण बताए हैं उन्हीं में से किसी एक की वजह से भी आपके दांत पीले हुए होंगे। दोस्तों, हम जानते हैं कि पीले दांतों की वजह से आपको बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। आप खुलकर किसी के सामने हंस भी नहीं पाते, और तो और आप मुंह खोलकर सेल्फी भी नहीं ले पाते। किसी समझदार और अच्छे इंसान के सामने आपको दांत छुपाकर बातें करना पड़ता है। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। दांत पीले होने की वजह से आपका पहला इम्प्रेशन ही खराब हो जाता है। पहले इम्प्रेशन में ही सामने वाले को लगता है या तो आप नशीली चीजों का सेवन करते हैं या फिर आप अपने दांतों की केयर नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम आपको एक रामबाण नुस्खा बताने जा रहे हैं, जिससे आपके दांतों की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आपके दांत में कीड़े पड़ गए हैं या पीले पड़ गए हैं या फिर तंबाकू गुटके की वजह से आपके दांत काले काले हो गए हैं तो इस नुस्खे का प्रयोग करें। इस नुस्खे में आपको जरूरत होगी केवल 3 चीजों की, और वह तीनों चीजें आपको आसानी से घर में मिल जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज है नमक। दोस्तों, नमक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो दांतों के पीलेपन को हटाने में मदद करते हैं, इसलिए बहुत से लोग गांव में आज भी अपने दांत नमक से साफ करते हैं। बहुत सी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी भी नमक को हाईलाइट करती है अपने प्रोडक्ट के प्रचार के लिए। दूसरी चीज है दोस्तों, हल्दी। दोस्तों, आपने बहुत से लोगों से सुना होगा और हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हल्दी के अनेक फायदे हैं, तो ये हमारे दांतों को चमकाने और दांतों से जुड़ी अनेक प्रॉब्लम के लिए काफी मददगार सिद्ध होती है। तीसरी चीज है सरसों का तेल। दोस्तों, सरसों के तेल के भी बहुत सारे अपने फायदे हैं, इसे इंग्लिश में मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। दोस्तों, सरसों का तेल कड़वा होता है और ये बहुत से रोगों में हमें निजात दिलाने के लिए कारगर है। तो अब आपके पास दोस्तों 3 चीजें हैं, नमक, हल्दी और सरसों का तेल। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको सबसे पहले कटोरी में 1 चम्मच हल्दी को लेना पड़ेगा। सबसे पहले कटोरी में 1 चम्मच हल्दी डालनी है, फिर 1/2 चम्मच नमक डालना है। दोस्तों, इस बात का खास ध्यान रखें, जितनी मात्रा में हमने आपको बताया है उसी मात्रा में हल्दी और नमक को आपको लेना है। दोस्तों, आखिरी में आपको 2 चम्मच सरसों का तेल कटोरी में डालना है। उसके बाद इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस मिश्रण को 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद टूथब्रश लेकर इस मिश्रण को पेस्ट की तरह यूज करना है, जैसा कि आप नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करते हैं वैसे ही इसको यूज करना है। तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, इस मिश्रण से आपको थोड़ी बहुत जलन जरूर होगी, वो इतनी भी नहीं होगी कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे। आप इस नुस्खे को वीक में 2 बार यूज कीजिए, आपके दांत मोतियों के जैसे चमकने लगेंगे। दोस्तों, इस नुस्खे के साथ साथ आपको कारणों को भी ध्यान में रखना है। ज्यादा चाय कॉफी नहीं पीनी है, तंबाकू गुटखा का सेवन नहीं करना है। मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ जिनके दांत पीले हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी खुलकर हंस सकें, खुलकर बात कर सकें। और दोस्तों, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट हमें हौसला देते हैं एक नई वीडियो को लाने के लिए, नया नुस्खा आपको बताने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपना चैनल बना लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई हेल्दी टिप्स जानने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।